हाय फ्रेंड्स, आई एम शिवा। यू आर वॉचिंग एसपीएम टेक। दोस्तों, आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल चुके हैं, तो किस तरह से अपने इंस्टाग्राम में नया पासवर्ड को ऐड कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। कोई टेंशन लेने के बात नहीं है, मैं आपको आज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आप पासवर्ड भूलने के बाद किस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फिर से लॉग इन करके नए पासवर्ड डाल के यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरा मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों, आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ मेरा मोबाइल के स्क्रीन पे। आपको सिंपली सी इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को सिंपली सी ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप सिंपली सी अपने जो अकाउंट लॉग आउट नहीं किया था अभी तक, कि लॉग आउट नहीं किया तो आपको सिंपली सी उससे जाके लॉग आउट कर लेना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, सिंपली सी आपको जाके यहाँ पे लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ओके, ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। आप अपना पुराना पासवर्ड तो भूल चुके हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं, गेट हेल्प विथ साइनिंग। आपको सिंपली सी इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो इंस्टाग्राम में आप जीमेल या मोबाइल नंबर दे के क्रिएट किए थे, उसको आपको यहाँ पे सिंपली सी टाइप कर लेना है। ये आ जाएगा, नहीं तो आप टाइप कर लेना है। मैं सिंपली सी यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ, जिस वाले मोबाइल नंबर दे के मैंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट किया था। आप भी अपना मोबाइल नंबर या जीमेल अकाउंट दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक लिंक जाएगा। ओके, सिंपली सी मैं मेरा नंबर भी ऐड कर लेता हूँ। ओके, आप अपना नंबर ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट वे पर सिंपली सी क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएगा। आप फेसबुक साथ कनेक्टेड है तो तीन ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, सेंड ए मेल, नहीं तो सेंड ए एसएमएस मैसेज। मैं सेंड ए एसएमएस मैसेज कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल पे जो नंबर है उसमें एक एसएमएस आ जाए। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम आपको वेट करना है, जैसे कि 10 से 15 सेकंड। ये देखो मेरा आ चुका है, मेरा एसएमएस आप यहाँ देख सकते हैं। मैं जाकर सिंपली सी यहाँ पे ये आ गया है एसएमएस। आपको सिंपली सी एसएमएस के जाने के बाद ओपन करने के बाद आपको एक लिंक आएगा, आपको सिंपली से लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ब्राउजर पर चला जाना है, जैसे क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है न्यू पासवर्ड कॉन्फर्मेशन। यहाँ पे आप एक न्यू पासवर्ड डाल लीजिए। मैं सिंपली से यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड डाल लेता हूँ। ओके, फटाफट मैं डाल लेता हूँ। ओके दोस्तों, माफ करना, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज के लिए मेरा जो यहाँ पे मैं स्क्रीन ब्लॉर किया है। ओके, पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। रिसेट पासवर्ड के ऊपर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि आपका जो नया पासवर्ड है वो डाल चुका है। ये देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन हो चुका है। आपको सिंपली से चले जाना है फिर से इंस्टाग्राम अकाउंट में। यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है यूजर नेम के साथ पासवर्ड भी, जिस वाले पासवर्ड अभी आपने रखा उस वाले पासवर्ड को आप लोग सिंपली सी यहाँ पे डाल लेना है। मैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैंने ब्लॉर किया है, माफ करना दोस्तों। उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। मेरा पासवर्ड, जो न्यू पासवर्ड मैंने मेरा इंस्टाग्राम में जनरेट कर लिया है। दोस्तों, आप इस तरह से अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और किसी नए टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि मैं इस तरह ट्रिक एंड ट्रिक्स वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।